हेलो बच्चों, आज हम भीमराव की कमीज पाठ के लिखित के और भाषा ज्ञान के प्रश्नों को करेंगे। लिखित के प्रश्नों में किसने कहा सही उत्तर पर राइट निशान लगाइए। अरे वाह, अब मैं इस रुई से नई कमीज बनाऊंगा। किसने कहा? भीम ने। तो भीम पर आपको राइट का निशान लगाना है। लाओ भीम, तुम्हारी कमीज सिलने का काम मैं कर देती हूँ। किसने कहा? बया ने। तो बया पर राइट का निशान लगाना है। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27 पर भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में लिंग विलोम शब्द, ण और न ढ का प्रयोग, संयुक्त व द्वित व्यंजन, इनके बारे में भाषा ज्ञान में बताया गया है। पहला प्रश्न है, जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। जैसे दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, है ना। अब आप दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप में राइट निशान लगाइए, है ना। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिए हैं और हमें स्त्रीलिंग पर राइट लगाना है, ठीक है। जैसे पहला है बेटा, तो बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटी, है ना। तो हमें बेटी पर राइट का निशान लगाना है। उसके बाद मकड़ा, मकड़ा का स्त्रीलिंग होगा मकड़ी, मकड़ी पर राइट लगाइए। चूहा, चूहिया। पिता, माता। लेखक, लेखिका, ठीक है। तो क्या हुआ स्त्रीलिंग? बेटा का बेटी, मकड़ा मकड़ी, चूहा चूहिया, पिता माता, लेखक लेखिका, इन पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। बच्चों ये सारी एक्सरसाइज बुक में ही करना है। दूसरा प्रश्न है, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं, जैसे सुगंध दुर्गंध। तो दिए गए विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। तो यहां पर हमें विलोम शब्दों को मिलाना है। नई पुरानी, तो नई को हम मिलाएंगे पुरानी से। इसके बाद इधर उधर, बढ़िया घटिया, अच्छा बुरा, सुंदर बदसूरत, ठीक है। क्या क्या विलोम हुए? नई का पुरानी, इधर का उधर, बढ़िया का घटिया, अच्छा बुरा, सुंदर बदसूरत, ठीक है। अगला प्रश्न है, ण और ड के अंतर में अंतर समझकर इनके प्रयोग से खाली जगह भरिए। तुमने हाथ में क्या पकड़ रखा है? हमें ण और ड इन दोनों के प्रयोग यहाँ पर करना है। पहला है, तुमने हाथ में क्या पकड़, तो यहाँ पर आएगा ड, है ना, ये वाला। दूसरा है, माँ का काम क्यों बढ़ा, यहाँ आएगा ये वाला। अरे भीम भाई, दौड़ क्यों रहे हो? मकड़ी ने रुई की कताई की। कमीज इतनी बढ़िया, यहाँ ये ड आएगा। भीम ने चूहे को कपड़ा दे दिया, ठीक है बच्चों। तो ये सारी एक्सरसाइज आप कहाँ करेंगे? बुक में ही करेंगे। इसके बाद अगले पेज पे, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 पर अगला प्रश्न है, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, वे संख्या में चार है, है ना। संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक से अधिक व्यंजन के मेल से जो बनते हैं व्यंजन, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क श क्ष, तर त्र, जन्य ज्ञ, शर श्र, है ना। तो एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं और एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जहां दो एक जैसे व्यंजन होते हैं वहां द्वित व्यंजन होता है, है ना। च च च, क क क, तो एक जैसे व्यंजन है क क,
एक आधा का एक पूरा क है तो यहाँ द्वित व्यंजन होगा, और दो अलग अलग व्यंजन है तो वहाँ संयुक्त व्यंजन होगा। तो संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को हमें गोला करना है और द्वित व्यंजन वाले शब्दों को हमें अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ श्रमिक संयुक्त व्यंजन है, धक्का द्वित व्यंजन है, ऐसे ही क्षमा इस पे हम गोला करेंगे क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। गद्दा इस पे हम लाइन करेंगे क्योंकि अंडरलाइन करेंगे ना इसको हम, क्योंकि ये क्या है द्वित व्यंजन है। लट्टू ये भी द्वित व्यंजन है। विज्ञान ये संयुक्त व्यंजन है। मित्रता संयुक्त व्यंजन है। छुट्टी द्वित व्यंजन है। पक्षी संयुक्त व्यंजन है। सच्चा द्वित व्यंजन है। त्रिकोण संयुक्त व्यंजन है और थप्पड़ द्वित व्यंजन है। तो बच्चों ये सारी एक्सरसाइज आप अपने बुक में करेंगे।